योग की शुरुआत हमारे भारत में ही हुई थी और ये हमारी जिंदगी का हिस्सा था। यही वजह थी प्राचीन काल से हमारे जीवन में योग का बहुत महत्व रहा है, जिसको दुनिया के कई देशों ने अपनाया है। योग हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक है और आज हम योग के 6 फायदों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको जानकर आप भी योग करने लगेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले यही कहेंगे कि प्लीज आप हमारे चैनल ज्ञानी जी हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप हेल्थ से जुड़े कोई भी वीडियोस मिस ना करें। योग करने से हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। आज के वक्त ब्लड प्रेशर का कम या ज्यादा होना एक बड़ी समस्या है और योग करने से आपको इस बीमारी से दूर रहने में मदद मिलती है। योग से शरीर में ऑक्सीजन का बढ़ाव बढ़ता है और उसी के साथ खून का बढ़ाव बहुत ही अच्छा रहता है और हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती और आप तनाव मुक्त रहते हैं। योग करने से हमारे शरीर में दर्द कम होता है। कई स्टडीज से पता चला है कि योग करने से हमारे शरीर के अंगों में दर्द से राहत मिलती है। फिर चाहे वो सालों पुराना घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो या फिर सिर दर्द हो, इन सभी को दूर करने के लिए योग से अच्छी कोई दवाई नहीं है। सुबह के सिर्फ 20 मिनट रोजाना योग करने से ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। योग हमें बेहतर सांस लेने में मदद करता है। योग में प्राणायाम एक ऐसा आसन है जिसमें आप सही तरह से सांस लेने और छोड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। प्राणायाम का मतलब है सांस लेने और छोड़ने की प्रोसेस की स्पीड को कंट्रोल करना। इस वजह से हमारी बॉडी को सही अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है और जब सही ऑक्सीजन मिलती है तो हमारे फेफड़े और दिल के काम करने की काबिलियत बढ़ जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि हार्ट अटैक आने की संभावना कम होती है और इसी के साथ हम तनाव मुक्त भी रहते हैं। योग से हमारे शरीर में लचीलापन आता है और हमारे बॉडी का पोस्चर अच्छा बनता है। नियमित रूप से योग हमारे शरीर की मांसपेशियों को और हमारी बैकबोन की हड्डी को मजबूत बनाता है, जिससे हमारी बॉडी का उठने बैठने और सोने का पोस्चर अच्छा बना रहता है और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन आता है। जब आप जवान हैं तब तो ये बातें इतनी जरूरी नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है शरीर का लचीलापन कम होने लगता है, हड्डियाँ कमजोर होने लगती हैं और बुढ़ापा परेशान करने लगता है। लेकिन अगर आप योग करते हैं आपको ये समस्या नहीं होती और सेहत अच्छी बनी रहती है। योग वजन कम करने में हमारी सहायता करती है। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार और कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है और पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है। जब खाना सही तरह से हजम होगा, जब मेटाबॉलिक रेट ज्यादा रहेगा तो वजन तो कम होगा ही, साथ ही हमारे शरीर में से बुरे फैटी टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहते हैं और ये भी हमारे वजन कम करने में मदद करता है। योग डायबिटीज को कंट्रोल करने में हमारी सहायता करता है। आज के वक्त डायबिटीज दुनिया की सबसे बुरी बीमारियों में से एक है और योग आपको इस बीमारी से दूर रख सकता है। देखिए, डायबिटीज का मुख्य कारण है शरीर के मेटाबॉलिक रेट सही ना होना, इंसुलिन को हमेशा ही हाई रखना और स्ट्रेस या तनाव का बना रहना। जब आप योग करते हैं तो इन सभी परेशानियों से अपने आप ही दूर हो जाते हैं और इसका नतीजा ये भी होता है कि आप डायबिटीज से भी दूर रहते हैं। और आपको अगर ये बीमारी है तो आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा योग करने से हमारी त्वचा में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और निखार आता है। हमारे दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और इसलिए फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। हमारी बॉडी की स्टैमिना बढ़ती है, आलस दूर होती है और रोग प्रतिकारक क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा भी योग करने के न जाने कितने अनगिनत फायदे हैं, इसलिए हमें कम से कम सुबह 15 से 20 मिनट योग करना ही चाहिए। हमें उम्मीद है अब आप योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेंगे और ये सभी शानदार फायदे भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब आप योग करने की तैयारी करिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।